वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन टू। ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में हाउ टू फाइंड ऑर्डर पेयर्स और ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन वन जो था प्रैक्टिस सेट 1.2 का किया है। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन टू करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन टू में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो इक्वेशन दिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमने पहले इसके लिए दो बॉक्स बनाए हैं। पहले क्या करना है, हमें x का वैल्यू कुछ तो लेने हैं और उसके डिपेंड पे हमें y का वैल्यू निकालना है। तो हर बार हमने क्या देखा था ऑर्डर पेयर में, x के वैल्यू हम क्या लेते थे, -2, -1, 0, 1 ऐसे ले सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां हम क्या करने वाले, देखिए ये सिंपल इक्वेशन है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 सिंपल इक्वेशन है। इसमें हम x का कुछ तो वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली हम ओरली बता सकते हैं कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो कोई भी हम वैल्यू सिंपली जो हमें ग्राफ पेपर पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू सिंपली हम कोई भी लिखे 1, 2, 3, 4 सिंपल सिंपल वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 5 तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। वैसे 2 + क्या आ जाएगा, 2 + 4 3 + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 और 4 + क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 2। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको ये भी कर सकते हैं, आप मैं बताने वाला हूं कि x की वैल्यू 1 पुट करके y की वैल्यू कैसे है वो भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन हम ओरली यहां बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी, देखिए 1, 5 2, 4 3, 3 4, 2 सिंपल है। अब इसी इक्वेशन के लिए भी वही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम बढ़ा लेते हैं, अभी मान लीजिए x की वैल्यू 5 लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 5 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 5 माइनस 1 4, x की वैल्यू 6 लिया हमने तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू 7 लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और x की वैल्यू मान लीजिए हमने अभी 4 ली है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये सिंपली हम ओरली बता सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगी, देखिए 5, 1, 6, 2, 7, 3, 4, 0 सिंपल सिंपल कोऑर्डिनेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमें ये कोऑर्डिनेट्स हैं बता रहे, डायरेक्टली आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी इस एग्जांपल में क्या x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू कैसे आई वो मैं बताने वाला हूं। तो देखिए अभी मैं बताता हूं, देखिए अभी फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो पुट करेंगे 1 + y = 6 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 जो ऑलरेडी हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अभी सेकंड वेरीफाई करते, पुट x इज इक्वल टू 2 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 तो देखिए x की जगह 2 पुट किया, y की वैल्यू हमें निकालनी है तो 6 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - 2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 सिंपल है। अभी मान लीजिए हम थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सा है हमारा, x प्लस y इज इक्वल टू 6 तो यहां 3 पुट करेंगे प्लस y इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 तो ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। अभी देख सकते हैं हम x इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन कौन सा, x प्लस y इज इक्वल टू 6 तो x की जगह 4 पुट करेंगे प्लस y इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 6 माइनस इधर जाएगा 4 y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2। ये हमें यहां हमने डायरेक्ट ओरली किए, ये डायरेक्ट ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, आपको एग्जाम में ये सब फाइंड करके दिखाना है, लेकिन हम बस क्रॉस वेरीफाई करते हैं सेम ही आ रहा है। अभी सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 इन x माइनस y इज इक्वल टू 4 तो यहां पुट करते हैं x की वैल्यू 5
5u माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है, सॉरी 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 1, ये देखिए 1 आ गई। तो अभी सेकंड में देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6 इन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की जगह 6 पुट करें, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, ये देखिए 2 ऑलरेडी हमने लिखी, तो आप इसके लिए भी करें, 7 के लिए लिखिए, 4 के लिए भी कीजिए, तो यही वैल्यू आ जाएगी 3,0, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ये सेम ही आ जाएंगे। तो आप x की वैल्यू माइनस 2 माइनस 1 रख भी सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, तो हमें वो डिफिकल्ट जाएगा, हम सिंपली ओरली कर सकते, तो ये किया है। तो अभी इसके बाद हमें ये क्या करना है, सभी कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स आए, तो हम अभी ग्राफ पेपर पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए पहले कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है हमारे 1,5, तो x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 5, तो x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 5, तो कौन सा आ जाएगा, ये देखिए ये पॉइंट 1,5। उसके बाद देख रहे 2,4, 2 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 4, तो ये आ गया 2,4, ठीक है। उसके बाद देखिए 3,3, तो x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 3, तो ये 3,3 आ गया। और लास्ट वाला कौन सा है 4,2, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 2, तो ये हमारा 4,2 है। तो ये सभी पॉइंट से एक लाइन जाती है, देखिए मैंने लाइन दी, ठीक है, तो इसी लाइन को हम नाम लिखेंगे, इस इक्वेशन का नाम लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये आ गया। अभी सेकंड लाइन के लिए देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो कोऑर्डिनेट क्या है देखिए 5,1, तो x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 1, ये देखिए सेम सेम आ गया, ठीक है, तो यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए 6,2, x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट 2, ये देखिए। उसके बाद देखिए x कोऑर्डिनेट 7 y कोऑर्डिनेट 3, तो x कोऑर्डिनेट 7 y कोऑर्डिनेट 3, ये आ गया हमारा, ठीक है। और लास्ट वाला देखिए x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 0, मतलब x एक्सिस पे आ जाएगा, ये देखिए यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस इक्वेशन क्या लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये रहा हमारा। तो यहां देखिए इस दोनों लाइन में इंटरसेक्ट क्या हो रहा है, ये देखिए 5,1, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा 5,1, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अभी हम ऑर्डर पेयर जब देखेंगे, इस ऑर्डर पेयर में जो वैल्यू सेम हमारे आ रहा है, एक्स और वाई का जो ऑर्डर पेयर सेम आ रहा है दोनों इक्वेशन में, वही सॉल्यूशन रहता है। ये आपको एक शॉर्टकट है, ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 1 वाई कोऑर्डिनेट 5, एक्स कोऑर्डिनेट 5 वाई कोऑर्डिनेट 4, तो यही हमारे इक्वेशन 1,5 या 5,1 ऐसा कुछ तो रहेगा, तो ये 5,1 हमारा क्या रहेगा सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं हम ये सॉल्यूशन है कि नहीं, तो x = 5 y = 1 हम पुट करेंगे, देखिए x = यहां हमने पुट किया 5, y = हमारा क्या आया 1, तो 5 + 1 क्या गया इज इक्वल टू 6, मतलब LHS = RHS। यहां देखिए x - y = 4, 5 - 1 = 4, तो हमारा सॉल्यूशन 100% हम बता सकते हैं कि 5,1 करेक्ट है, ठीक है। तो आप अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था वो थी सिंपल है, यहां से आप ओरली बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर पेयर क्या है, ठीक है। तो अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मान लीजिए, हम x का वैल्यू 5 लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू हम 5 लिया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू मान लीजिए हमने 4 लिया, ये सिंपल है 5, 4, 3, 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 1, 3 + 2, 2 + 3, ये सिंपल आ गया, देखिए 5,0, 4,1, 3,2 और 2,3, ये सिंपल सिंपल हमारी वैल्यू आ गई है। देखिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम ग्राफ पेपर पे इजीली हम ये फाइंड कर सकते, तो हम ये कर सकते, आप आपकी नोटबुक में एक करके देखिए x = 5 पुट करके इस इक्वेशन में देखिए y की वैल्यू ये आती है कि नहीं, x = 4 इस इक्वेशन में पुट करें y की वैल्यू ये आती है कि नहीं, ये आप आपके नोट्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल में मैंने किया था, तो इस एग्जांपल में मैं करने वाला नहीं हूं, बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस इक्वेशन की वही करेंगे x - y = 3, तो हम यहां लिखेंगे 3
एक्स की वैल्यू 3 लिखेंगे तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 3 आ गया 0 आ गया, यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, 5 वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू 2, 6 लिखेंगे वैल्यू तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 2 3, ये सिंपली आ गया। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 3 कॉमा 0, 4 कॉमा 1, 5 कॉमा 2 और 6 कॉमा 3, ये सिंपल कोऑर्डिनेट्स आए। आपको इसी क्वेश्चन में वही करना है, x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करना है और y की वैल्यू निकालना है, लेकिन आपको ओरली वैल्यू आ रही है तो आप इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अभी इसके हम देखेंगे डायरेक्ट ग्राफ पेपर पे कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस पे फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या क्या कोऑर्डिनेट्स, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0, तो x एक्सिस पे 5 आ गया, 5 कॉमा 0, ये देखिए ये पॉइंट 5 कॉमा 0। सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए 4 कॉमा 1, ये देखिए 4 और 1 ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा 3 कॉमा 2, x कोऑर्डिनेट पे 3, y कोऑर्डिनेट पे 2, ये देखिए 3 कॉमा 2। लास्ट वाला क्या है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, x 2 और y इज इक्वल टू 3, ये देखिए यहां से हम लाइन ड्रॉ करें, ये देखिए लाइन ड्रॉ किए, ये देखिए ये पूरी लाइन है, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन का नाम लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, x प्लस y इज इक्वल टू 5 इस लाइन का गया। अभी सेकंड लाइन के लिए निकालेंगे सेम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 कॉमा 0, ये देखिए 3 कॉमा 0 सिंपल है। उसके बाद देखिए 4 कॉमा 1, x पे 4 y पे 1, तो ये देखिए मैंने पहले बताया था जो ऑर्डर पेयर में सेम आता है वही हमारा सॉल्यूशन है, ये देखिए 4 कॉमा 1 4 कॉमा 1 4 कॉमा 1 4 1 मतलब यही हमारा सॉल्यूशन है। यहां के देखते ही हमें पता चलता है कि 4 कॉमा 1 सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी हम ग्राफ के देखेंगे। उसके बाद देखिए 5 कॉमा 2, 5 और 2, ये देखिए 5 कॉमा 2 आ गया। उसके बाद 6 कॉमा 3, x पे 6 y पे 3, ये देखिए यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके लिखेंगे x माइनस y इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट कहां हो रहे हैं, इस पॉइंट पे हो रहे हैं, इसका ये क्या है 4 कॉमा 1 विच इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो यहां से पता चल रहा है, ठीक है। अभी क्रॉस वेरीफाई करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके देखिए 4 प्लस 1 x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 1, ये क्या आ गया 5, तो LHS इज इक्वल टू RHS मतलब सॉल्यूशन बराबर है। यहां भी चेक करके देखिए 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहां भी आ रहा है LHS इज इक्वल टू RHS मतलब सॉल्यूशन बराबर है। इसके साथ एग्जांपल खत्म होता है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, x plus y is equal to 0, 2x minus y is equal to 9। तो इसमें देखिए x plus y is equal to 0 है, सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर पे। देखिए x का वैल्यू मान लीजिए हमने 1 लिया, तो y का वैल्यू माइनस 1, 1 माइनस 1 0। उसके बाद देखिए x का वैल्यू 2 लिया, x का वैल्यू हमने 2 लिया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2। तो ये सिंपलीफाई करिए, इस x का वैल्यू 3 लिखते हैं, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 लिखते हैं, इसका क्या आ जाएगा माइनस 3 माइनस 4। ये सिंपली हम कोऑर्डिनेट्स इसके ऑर्डर पे निकालिए, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4, तो ये देखिए 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 कॉमा माइनस 4, ये सिंपली किया क्योंकि इक्वेशन बहुत ही सिंपल था, x प्लस y इक्वल टू 0, आप x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करिए y की वैल्यू आ जाएगी, ये आप कर सकते हैं आपके नोट्स में। अभी ये सेकंड इक्वेशन में देखिए 2x माइनस y इज इक्वल टू 9, तो सिंपली हम x का वैल्यू 1 ऑलरेडी करना बहुत डिफिकल्ट है जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे हम x की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4, लेकिन ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू क्या क्या थे वो देखेंगे। तो देखिए चलिए, तो पहले करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से सेकंड इक्वेशन में हमें फाइंड करना है, ठीक है। 2x माइनस y इज इक्वल टू 9, तो देखिए 2 इंटू 1 माइनस y इज इक्वल टू 9, ये 2 आ गया माइनस y इज इक्वल टू 9, तो माइनस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा 9 माइनस 2, तो माइनस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 7, तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारी माइनस 7, तो यहां लिख लेते हैं हमें माइनस 7, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगी 1 कॉमा माइनस 7। अभी x की वैल्यू क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन कौन सा 2x माइनस y इज इक्वल टू 9, तो 2 इंटू 2 माइनस y इज इक्वल टू 9, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 माइनस y इज इक्वल टू 9, तो माइनस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस
फोर, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइव, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस फाइव, तो हम y लिखेंगे माइनस फाइव, कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा टू कॉमा माइनस फाइव। ठीक है, अभी थर्ड देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या करेंगे अभी थ्री इन टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन, तो क्या आ जाएगा टू इंटू थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन, टू इंटू थ्री क्या आ जाएगा सिक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा नाइन माइनस सिक्स, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री, तो वाई की वैल्यू क्या बन गई यहां माइनस थ्री। ठीक है, तो यहां लिखते हैं माइनस थ्री, तो कॉर्डिनेट्स क्या आ जाएगा थ्री कॉमा माइनस थ्री। अभी लास्ट क्या हमारे एक्स इज इक्वल टू फोर, पुट x इज इक्वल टू फोर इन इक्वेशन कौन सा है टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन, तो टू इंटू फोर माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन, एट माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन, माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन माइनस एट माइनस वाई इज इक्वल टू वन, तो y की वैल्यू हमारी लास्ट में बन गई माइनस वन। तो वहां लिखते हम ये लिखिए माइनस वन, तो कोऑर्डिनेट्स क्या गए फोर कॉमा माइनस वन। इस इक्वेशन का तो सिंपल था, हमने डायरेक्टली निकली और रेली और इस इक्वेशन का हमने फाइंड किया है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमें क्या करना है ग्राफिकल पेपर पे कैसे ड्रा करना है देखना है। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें एक्स देखिए, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसे बोलेंगे हम वाई एक्सिस। तो एक्स पहला देखिए वन कॉमा माइनस वन, एक्स पे वन और वाई पे माइनस वन, ये देखिए हमारा पॉइंट आ गया वन कॉमा माइनस वन। उसके बाद देखिए x 2 y माइनस टू, एक्स के 2 y माइनस टू, तो ये देखिए x 2 माइनस टू ये आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए x क्या है हमारा 3 और y क्या है हमारा माइनस थ्री, ये देखिए ये पॉइंट आ गया। उसके बाद देखिए x 4 y माइनस फोर, एक्स फोर वाई माइनस फोर ये पॉइंट आ गया, ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसी लाइन को लिखेंगे। ठीक है, अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन, तो इसमें क्या दिया है पहला पहले देखिए ऑर्डर पेयर वन कॉमा माइनस सेवन, एक्स पे वन है और वाई पे माइनस सेवन, ये देखिए इस पॉइंट के सामने वन कॉमा माइनस सेवन लिखेंगे। उसके बाद देखिए टू कॉमा माइनस फाइव, एक्स पे टू वाई पे माइनस फाइव, ये पॉइंट आएगा हमारा। ठीक है, टू कॉमा माइनस फाइव। उसके बाद देखिए थ्री कॉमा माइनस थ्री, एक्स पे थ्री वाई पे माइनस थ्री, ये आ गया, ये देखिए ये थ्री कॉमा माइनस थ्री यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखिए इसका भी थ्री कॉमा माइनस थ्री, ये थ्री कॉमा माइनस थ्री, यहाँ से हमें पता चल रहा है ये सॉल्यूशन है हमारा इक्वेशन का। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट वाला क्या है फोर कॉमा माइनस वन, एक्स का फोर वाई का माइनस वन, ये देखिए अब इसका लाइन ड्रॉ करेंगे हम, इस इक्वेशन को हम लिखिए इक्वेशन का नाम लिखेंगे टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे हो रही है, इसका पॉइंट क्या है थ्री कॉमा माइनस थ्री, तो थ्री कॉमा माइनस थ्री हमारा क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब ये थ्री कॉमा माइनस थ्री सॉल्यूशन है, क्रॉस वैल्यू पे भी कर सकते हैं। देखिए यहां करके देखिए थ्री वाई की वैल्यू माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इस इक्वेशन में देखते हैं एक्स की वैल्यू हमारा क्या है थ्री है, टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री डायरेक्टली करता हूं सिक्स, माइनस वाई की वैल्यू क्या है हमारी माइनस थ्री, ये देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, तो सिक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन, दैट इज आंसर है हमारा। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या है थ्री कॉमा माइनस थ्री। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, तो ये इक्वेशन सिंपली हम ओरली हम मैंने बता सकते कि इसके ऑर्डर वैल्यू वन टू थ्री फोर ऐसे है, तो यहां भी क्या करना है एक्स की कुछ तो वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम लेंगे माइनस वन जीरो वन और टू। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में भी वही लिखेंगे माइनस वन जीरो वन टू, तो अभी ये जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे वाई की वैल्यू निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करेंगे वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, तो देखते हैं अभी देखिए पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन कौन से इक्वेशन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, तो देखिए थ्री इंटू माइनस वन माइनस वाई इज इक्वल टू टू, तो थ्री इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस वाई
इज इक्वल टू टू आ जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू, ए माइनस थ्री उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव, तो वाई की वैल्यू हमारी क्या बन गई माइनस फाइव, तो वहां लिखते हैं हम माइनस फाइव, तो हम माइनस वन कॉमा माइनस फाइव। उसके बाद देखिए सेकंड हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करना है हमें जीरो करना है, ये सिंपल है, इन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू, तो देखिए 3 इंटू जीरो माइनस वाई इज इक्वल टू टू, 3 इंटू जीरो जीरो माइनस वाई इज इक्वल टू टू, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा माइनस टू, तो ये लिखते हैं माइनस टू, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए जीरो कॉमा माइनस टू। उसके बाद क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू वन, इन इक्वेशन कौन सा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू, तो 3 इंटू वन माइनस वाई इज इक्वल टू टू, 3 इंटू वन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू टू, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 3, मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1, तो y की वैल्यू हमारी क्या बन गई 1 बन गई। ठीक है, तो यहां लिखते हैं 1, ये देखिए पॉइंट्स हमें 1 कॉमा 1 आ गए। उसके बाद देखते पुट पुट x इज इक्वल टू 2, इन इक्वेशन कौन सा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो पुट करते 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 4 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा प्लस 4 बन जाएगा, यहाँ 4 लिखते। तो वही करना है अभी, सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है माइनस वन पुट करना है। देखिए तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन, इन इक्वेशन कौन सा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो पुट करेंगे 2 इंटू माइनस वन माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 इंटू माइनस टू माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 बन जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 5, और ये माइनस है इसके लिए ये माइनस 5 आ जाएगा, ये देखिए माइनस 5 लिखते माइनस 1 कॉमा माइनस 5। अभी जीरो पुट करके देखते, देखिए पुट x इज इक्वल टू 0, इन इक्वेशन कौन सा 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 0 माइनस y इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 0 0 माइनस y इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू क्या बन गया हमारा माइनस 3 बन गया, तो वहां लिखते हैं माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस 3। अब लास्ट 1 पुट करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, इन इक्वेशन कौन सा है हमारा 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 1 माइनस y इज इक्वल टू 3, 2 माइनस y इज इक्वल टू 3, तो माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल उधर एक माइनस तो माइनस वाई इज इक्वल क्या आ गया 1, तो वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारा माइनस 1 आ गया, यहाँ माइनस 1 लिखते 1 कॉमा माइनस 1। अभी ये मैं फाइंड करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए हमने x के वैल्यू क्या क्या लिया थे, देखिए माइनस 1 0 1 2, तो हमने क्या किया था एक एक से बढ़ाए थे, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 एक एक से बढ़ाए थे, तो y की वैल्यू क्या आई थी देखिए माइनस 5 माइनस 2 1 4, तो यहां देखिए y की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है सॉरी बढ़ रही है माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, तो यहां देखिए 3 3 से बढ़ रही है। ठीक है, यहां 1 1 का डिफरेंस था 3 3 का डिफरेंस था, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया 1 1 से डिफरेंस था, तो यहां क्या हो रहा है देखिए माइनस 5 से माइनस 3 है मतलब 2 से बढ़ रही है, यहां क्या हो रही है माइनस 3 से माइनस 1 2 से बढ़ रही है, तो अगला क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा मतलब 2 कॉमा 1। ठीक है, लेकिन ये आप क्या करिए पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन इसमें पुट करिए और चेक करिए कि y की वैल्यू 1 आती है क्या नहीं। ठीक है, तो ये आपको जैसे जैसे आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि ये रेशियो कैसे चेंज हो रहा है, डायरेक्टली हम आपको बता सकते हैं कि कौन से ऑर्डर पे आएंगे। ठीक है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी ग्राफ देखेंगे, ग्राफ की देखिए ग्राफ देखने से पहले देखिए इस ऑर्डर पेयर में आपको आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए माइनस वन माइनस फाइव माइनस वन माइनस फाइव, तो ये सेम आ रहे हैं दोनों ऑर्डर पे, मतलब यहां से हमें पता चल रहा है कि इसका सॉल्यूशन माइनस वन कॉमा माइनस फाइव है,
लेकिन अभी हम ग्राफ पेपर पे देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, पहला देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए माइनस वन माइनस फाइव, तो एक्स एक्सिस पे माइनस वन और वाई एक्सिस पे माइनस फाइव, तो ये पॉइंट आ गया माइनस वन माइनस फाइव। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट क्या है, जीरो कॉमा टू, मतलब वाई एक्सिस पे माइनस टू करना है, तो ये पॉइंट कहां आ जाएगा, ये देखिए यहां मेरे पास प्रॉपर स्केल नहीं है तो यहाँ डिफिकल्ट आ रहा है, लेकिन ये जीरो कॉमा माइनस टू ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वन कॉमा वन, मतलब एक्स पे वन और वाई पे वन, ठीक है ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट टू और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा फोर, तो ये हमारा टू कॉमा फोर आ गया। ठीक है, तो अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको हमें लिखेंगे थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, ये हमारा आ गया। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली ड्रॉ करिए। उसके बाद देखिए टू एक्स माइनस इंटरसेक्शन पॉइंट स्टार्टिंग में हो रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये सोल्यूशन है। बाकी पॉइंट देखिए जीरो कॉमा माइनस थ्री, तो ये जीरो कॉमा माइनस थ्री ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये लाइन से यहाँ इंटरसेक्ट नहीं होगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वन कॉमा माइनस वन, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट माइनस वन, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये देखिए ये लाइन। उसके बाद 2 कॉमा 1, x का 2 और y का 1, ये देखिए तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी आ जाएगी, इंटरसेक्ट कहां होगी लेकिन माइनस वन और माइनस फाइव को, इस पॉइंट को हम लाइन को नाम देते हैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ इंटरसेक्ट कहां होगी, यहां हो रही है, तो सोल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, माइनस वन कॉमा माइनस फाइव, ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आप वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इक्वेशन में देखते थ्री थ्री इंटू माइनस वन करेंगे, थ्री इंटू माइनस वन क्या जाएगा, ये देखिए डायरेक्टली करता हूं मैं, माइनस थ्री माइनस, अभी वाई की वैल्यू क्या है, माइनस फाइव माइनस फाइव, ये देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो माइनस थ्री प्लस फाइव क्या आता है आंसर, टू, तो हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, तो वेरीफाई कर रहा है कि ये सोल्यूशन है। सेकेंड इक्वेशन के लिए ट्राई करते हैं, ये देखिए टू इंटू माइनस वन माइनस टू और माइनस माइनस फाइव, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है, ये जस्ट हमें वेरीफाई करने के लिए है, तो हमारा आंसर क्या गया, माइनस वन माइनस फाइव। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन और फाइव एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो हमें क्या करना है, ये देखिए सिंपली ओरली हम यहाँ ऑर्डर पेयर निकाल नहीं सकते, तो हमें x की कुछ तो वैल्यू लेनी पड़ेगी, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ हम लेंगे x इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन जीरो और वन, तो इस इक्वेशन के लिए भी वही वैल्यू लेंगे, माइनस टू माइनस वन जीरो और वन, तो अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, देखिए पुट x इज इक्वल टू माइनस टू इन थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन, तो क्या आ जाएगा, थ्री इंटू माइनस टू माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन, तो माइनस ये देखिए माइनस फोर वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन, ये माइनस सिक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस फोर वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस वन, ये माइनस माइनस गेट कैसे हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाय फोर, यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, वन बाय फोर का वैल्यू मतलब जीरो पॉइंट टू फाइव। ठीक है, तो यहां लिखते हैं जीरो पॉइंट टू फाइव, तो लास्ट कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, माइनस टू जीरो पॉइंट टू फाइव। अब माइनस वन पुट करके देखते हैं, पुट पुट x इज इक्वल टू वन इन थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सेवन, ठीक है इज इक्वल, तो यहां पुट करते हैं थ्री इंटू वन माइनस फोर वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सेवन आ जाएगा। ठीक है, अभी ये देखिए थ्री इंटू वन क्या है, थ्री माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन, तो माइनस फोर वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस सेवन प्लस थ्री, माइनस फोर वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस सेवन प्लस थ्री माइनस फोर, तो वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फोर डिवाइडेड बाय फोर आ जाएगा, तो सिंपली वन आ जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं हम वाई की वैल्यू क्या, वन, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएगी, माइनस वन वन,
अभी थर्ड वाला देखते हैं, पुट पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन कौन सा है, थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन, तो थ्री इंटू जीरो माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन, थ्री इंटू जीरो जीरो माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन, तो ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फोर वाई इज इक्वल टू सेवन आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेवन डिवाइड बाय फोर। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, हम इसे पॉइंट में निकालते हैं, तो फोर फोर इन वन तो थ्री बच जाएगा, थ्री जीरो हो जाएगा तो सेवन आ जाएगा, टू बच जाएगा जीरो हो जाएगा तो ट्वेंटी, तो 1.75 बन जाएगा, 1.75 तो कॉर्डिनेट्स क्या बन जाएगा, जीरो कॉमा 1.75। अभी लास्ट देखते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन कौन सा, थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन, तो थ्री इंटू वन माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन, थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा, थ्री माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन, माइनस फोर वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस सेवन, ए प्लस थ्री उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, माइनस फोर वाई, ठीक है, माइनस सेवन, माइनस सेवन और माइनस थ्री क्या बन जाएगा, माइनस टेन बन जाएगा, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेन डिवाइडेड बाय फोर बन जाएगा, ए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हम करेंगे टू, फोर इंटू टू एट हो जाएगा, टू बच जाएगा, टू जीरो हो जाएगा, ट्वेंटी क्या हो जाएगा, 2.5, तो यहां लिखेंगे 2.5, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा, 1, 2.5। अभी सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, ये सेकंड इक्वेशन के लिए हम देखते हैं, सेकंड इक्वेशन के लिए नीचे देखता हूं मैं, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, सेकंड इक्वेशन कौन सा है, इन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो, तो क्या बन जाएगा, 5 इंटू माइनस टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, 5 इंटू माइनस टू माइनस टेन माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टू वाई, तो माइनस टेन इज इक्वल टू प्लस टू वाई, मतलब टू वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस टेन डिवाइड बाई टू, मतलब क्या, माइनस फाइव बन जाएगी, वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस फाइव बन जाएगी, तो यहां लिखते हैं माइनस फाइव, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, माइनस टू कॉमा माइनस फाइव। अभी सेकंड कोऑर्डिनेट देखते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, माइनस वन, इन इक्वेशन कौन सा, फाइव एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहां करते हैं फाइव इंटू माइनस वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, मतलब टू वाई इज इक्वल टू, ये माइनस होता जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस टू वाई इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई टू माइनस फाइव डिवाइड, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू इंटू टू फोर, और एक क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, टू पॉइंट फाइव बन जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, माइनस 2.5, तो कॉर्डिनेट्स क्या है, माइनस 1 कॉमा माइनस 2.5। तो मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको एक ट्रिक बताया था, यहां हम प्लस प्लस 1 कर रहे हैं, यहां भी देखिए 0.25 था प्लस 1, कुछ तो ऐड हुआ है, उसके बाद इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो डिफरेंस क्या देखिए 0.75 से बढ़ रहा है, ठीक है। अभी सेकंड एग्जांपल में हमें हमने क्या किया, माइनस फाइव से माइनस 2.5 है, मतलब 2.5 से बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहां माइनस 2.5 प्लस 2.5 क्या बन जाएगा, जीरो, जीरो प्लस 2.5 क्या बन जाएगा, 2.5, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा, जीरो कॉमा जीरो, वन कॉमा 2.5, ये कोऑर्डिनेट्स आप खुद से कर सकते हैं, आप वैल्यू जीरो पुट करके देखिए, ये जीरो आ जाएगा 100%, ये वन करेंगे 2.5 करेंगे वैल्यू आ जाएगा, ये 100% वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि वो डिफरेंस जो रहता है सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ग्राफ देखने वाले हैं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। तो अब हम देखने वाले ग्राफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो हमने ऑर्डर पेयर निकाल के, लेकिन यहाँ देखिए ऑर्डर पेयर में देखिए माइनस टू 0.25 है, तो पॉइंट में आने वाला है, तो आप ग्राफ पेपर पे करिए और अच्छे से करिए, ठीक है,
तो मैं यहां करके दिखता हूं माइनस टू पावर जीरो पॉइंट टू फाइव, तो माइनस टू एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जीरो पॉइंट टू फाइव, ये देखिए पॉइंट वन यहाँ है, तो वन का फोर्थ पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा जीरो पॉइंट टू फाइव, तो ये मैं डायरेक्टली ऐसे पॉइंट ले रहा हूं माइनस टू कॉमा जीरो पॉइंट टू फाइव। उसके बाद देखिए माइनस वन कॉमा वन, तो एक्स कॉर्डिनेट माइनस वन, ये देखिए माइनस वन और वाई कॉर्डिनेट वन, तो ये पॉइंट आ गया ठीक है। उसके बाद एक्स कॉर्डिनेट जीरो वाई कॉर्डिनेट वन पॉइंट सेवन फाइव, एक्स कॉर्डिनेट जीरो है और वाई कॉर्डिनेट वन पॉइंट सेवन फाइव, मतलब वाई एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे वन पॉइंट सेवन फाइव, ये देखिए वन पॉइंट सेवन फाइव जीरो कॉमा वन पॉइंट सेवन फाइव। उसके बाद देखिए एक्स कॉर्डिनेट क्या है वन और वाई कॉर्डिनेट टू पॉइंट फाइव है, एक्स कॉर्डिनेट क्या है हमारा वन है, ये वन और टू पॉइंट फाइव ठीक है। इसके पहले अभी देखिए 1.25 और 1.25 ये देखिए सेम आ रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है ठीक है, और क्रॉस वेरीफाई करेंगे अभी। इसके बाद देखिए सेकंड इक्वेशन में देखिए 5x - 2y - 2 - 5 आ रहा है। इसके पहले देखिए इसका लाइन हमने ये ड्रॉ किया है, ये देखिए, और इसको नाम लिखते हैं 3x - 4y = - 7। अभी सेकंड इक्वेशन का देखते क्या है, माइनस टू कॉमा माइनस फाइव, माइनस टू एक्स एक्स पे वाई एक्सिस पे माइनस फाइव, तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा माइनस टू कॉमा माइनस फाइव। उसके बाद देखिए माइनस वन कॉमा माइनस टू पॉइंट फाइव, ये देखिए माइनस वन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस टू पॉइंट फाइव, मतलब माइनस टू और माइनस वन इसके बीच में आ जाएगा, ये देखिए गलती से ठीक है। उसके बाद देखिए जीरो कॉमा जीरो, मतलब ओरिजिन में आ जाएगा जीरो कॉमा जीरो। उसके बाद देखिए वन कॉमा टू पॉइंट फाइव जो ऑलरेडी पॉइंट है, तो ये लाइन लिखेंगे पूरा, तो इसका नाम लिखेंगे 5x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन आ गई। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है ठीक है, तो इसका लिखेंगे लास्ट में 1.2.5, ये विच इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ठीक है। तो अभी मैं हर बार बता रहा हूं आपको ये 1.2.5 ये बराबर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS दोनों इक्वेशन के लिए आया, तो हमारा सॉल्यूशन 100% करेक्ट है ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट एग्जांपल है हमारा आज का लेक्चर का, देखें 2x - 3y = 4 और 3y - x = 4। तो ये एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट में आंसर आने वाली ठीक है। तो मैंने पहले सॉल्व करके देखा है ठीक है, तो मैं ऑर्डर पेयर अभी मैं बताने वाला हूँ, ओरिजिन तो नहीं बता सकते ठीक है। तो हम पहले वैल्यू लिखेंगे x = माइनस टू माइनस वन जीरो वन, और ये भी लिखेंगे x = माइनस टू माइनस वन और जीरो वन, ये वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू आएगी ठीक है। तो अभी देखने वाले इक्वेशन में देखते हैं, पुट x = माइनस टू इन इक्वेशन कौन सा है 2x - 3y = 4, तो पुट करते हैं 2 into माइनस टू माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 into माइनस टू माइनस 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 3y इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस 4 है उधर देखिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बन गई माइनस 8 डिवाइड बाई 3 ठीक है। ये तो अभी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए 3 into 2 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 2 into 0 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2.66667 भी ले सकते हैं या 2.66 लिखते हैं, मैं 2.66 लेने वाला हूं ठीक है। तो 2.66 लिखने क्या माइनस में माइनस 2.66, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2.66, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे माइनस 2 कॉमा माइनस 2.66 ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन कौन सा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो पुट करते हैं देखिए 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4, 2 इंटू माइनस 2 3y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 3y ये देखिए माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 बन जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू क्या बन गया 6, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3 दैट इज y इज इक्वल टू क्या बन गया माइनस 2 बन गया। तो वहां लिखते हैं हम y = माइनस 2, कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे माइनस 1 कॉमा माइनस 2। तो उसके बाद देखिए उसके बाद देखते पुट पुट x इज इक्वल टू अभी माइनस 2 क्या माइनस 1 क्या x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4,
तो क्या आ जाएगा 2 इंटू जीरो माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 4, 2 इंटू जीरो जीरो माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 4, तो क्या बन जाएगा माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू क्या बन गया माइनस 4 डिवाइड बाई 3 बन गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, 1 बच गया तो 1.33334 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये देखिए माइनस 1.33, तो क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस 1.33। अभी लास्ट में क्या देखिए पुट x इज इक्वल टू हमें क्या करना है 1 पुट करना है, तो देखिए पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कौन सा 3, इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो पुट करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू क्या बनेगा 4, 2 इंटू 1 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 3y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4, ये प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये देखिए 0, ये 0 आ जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 0.666 ऐसा कुछ तो वैल्यू आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 0.666, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 0.666 ऐसा आ जाएगा। तो ये रहा कोऑर्डिनेट्स, अभी देखते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए मैं बताता हूं, थ्री वाई पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करना है हमें पहले माइनस 2, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है इन इक्वेशन 3y माइनस x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 3y माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 3y ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो 3y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4, ये उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, 3y इज इक्वल टू क्या बन गया 2 बन गया, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया 2 कॉमा 2 बाय 3 बन गया। तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 2 को नहीं जाता तो 2 0 20 करिए तो 3 into 6 तो 666 ऐसा कुछ आएगा 0.66 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा माइनस 2 0.66 बन गए, ठीक है। अभी उसके बाद देखते ये फर्स्ट वाला हो गया, अभी उसके बाद देखते पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 करेंगे, किसमें करेंगे इक्वेशन कौन सा 3y माइनस x इज इक्वल टू 4, तो 3y माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो 3y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया 4, तो 3y इज इक्वल टू क्या बन गया 4 माइनस 1, तो 3y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3, तो y का वैल्यू डायरेक्टली हम यहां लिख सकते हैं 1 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहां लिखते हैं 1, तो माइनस 1 कॉमा 1 बन गया, ठीक है। और एक मैं करके दिखाऊंगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन कौन सा 3y माइनस x इज इक्वल टू 4, तो 3y माइनस x 0 इज इक्वल टू 4, तो 3y इज इक्वल टू क्या बन गया 4, तो y का वैल्यू क्या आ गया 4 डिवाइड बाय 3 मतलब 1.333 कुछ तो समथिंग आ जाएगा, तो यहां लिखते 1.333 0 कॉमा 1.333। तो मैंने एक ट्रिक बताई आपको, डिफरेंस देखिए, ये देखिए यहाँ माइनस 2 माइनस 1 0 1, तो 1 1 से बड़ा रहे, यहाँ देखिए माइनस 2.66 माइनस 2 1.3, डिफरेंस क्या है 0.66 या 0.67 ऐसा कुछ भी बता सकते हैं आप, और यहाँ क्या देखिए 0.66 से 1 1 तो ये 0.33 या 0.33 या 0.34 जो अप्रोक्सीमेटली आता है, तो अगला वैल्यू क्या आ जाएगा 1.66 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1.66 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो अब हमें ग्राफ निकालने हैं, ठीक है। तो इसके ग्राफ निकालने में बहुत डिफिकल्टी आएगी बोर्ड पे या नोटबुक पे, आपको प्रॉपर ग्राफ पेपर भी निकालना पड़ेगा तभी आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट है अच्छे से मिलेगा, ठीक है। मैंने ट्राई किया है, अभी मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में -2 -2.66, तो -2 x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे -2.66, तो ये आ गया यहाँ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए x एक्सिस पे -1 y एक्सिस पे -2, x एक्सिस पे कौन सा है -1 और y एक्सिस पे कौन सा है -2, तो -1 और -2, ये -1 x एक्सिस पे y एक्सिस -2, पिछले वाला पॉइंट भी ये था -2 -2.6।
उसके बाद देखिए 0, -1.33 एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे माइनस, तो ये पॉइंट आ गया, ये देखिए 0, -1.33 ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा है 1, 0.0 से 1, 0.0 ठीक है। तो मैं पहले ये लाइन यहां तक ड्रॉ करता हूँ ठीक है। जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया इसलिए मुझे पता चल रहा है कि ये बहुत ऊपर ड्रॉ करनी पड़ी, तो ये मैं बहुत ऊपर ड्रॉ किए तो इसी पॉइंट इस इक्वेशन को नाम देते 2x-3y = 4 ये फर्स्ट वाला आ गया। अभी सेकंड वाला देखते 3y-x = 4 तो x कोऑर्डिनेट -2 है और y कोऑर्डिनेट 0 है तो -2, -0.66 तो -2, 0.66 मतलब यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। उसके बाद देखिए -1, -1 और 1 ये थोड़ा सा स्केल प्रॉपर नहीं इसीलिए मेरे इधर उधर आ रहा है तो -1, 1 आ गया ठीक है। इसके बाद 0, 1.33 मतलब y एक्सिस पे आएगा 1 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा 1 से, 1 थोड़ा सा नीचे 1 से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और लास्ट वाला देखिए 1, 1.66 1 यहाँ है और 1.66 यहाँ है तो ये इसी लाइन पे आ गया। तो ये भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, ये लाइन ड्रॉ करेंगे इसका नाम लिखेंगे 3y-x = 4। अगर ये ड्रॉ करेंगे आप बहुत एक्सटेंड करना पड़ेगा इस लाइन को तो लास्ट में आपको ये आ जाएगा ये पॉइंट जो कि y कोऑर्डिनेट का 4 है और x कोऑर्डिनेट 8, 4 ये हमारा यहाँ मीट होगा। आप ग्राफ पेपर पर प्रॉपर ड्रॉ करें तभी आपको मिल जाएगा ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा 8, 4 तो अगर ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर बराबर आ जाएगा ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा वीडियो खत्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो इसमें कमेंट में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।